नमस्कार। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, व्यक्तिगत परीक्षाएं, सामूहिक परीक्षाएं, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। व्यक्तिगत परीक्षाएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत परीक्षा में एक समय पर एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। व्यक्तिगत परीक्षाओं के निष्कर्ष यानी कि नतीजे बहुत विश्वसनीय होते हैं। रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आर रिलायबल। व्यक्तिगत परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं, वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाओं में भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि बिने साइमन बुद्धि स्केल, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल। बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में प्रोफेसर बिने और साइमन के द्वारा दिया गया। बिने साइमन स्केल 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी था। 1908 और 1911 में इस स्केल के नए एवं परिवर्तित संस्करण को प्रकाशित किया गया। इस स्केल में प्रश्नों की कुल संख्या 54 थी। यह स्केल यूरोप के लगभग सभी देशों में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट वन इज स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल को टर्मन ने दिया। टर्मन ने बिने के मानकम के अनेक दोषों को दूर करके सन 1916 में स्टैनफोर्ड बिने स्केल का नाम दिया। यह टेस्ट 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी था। इस टेस्ट में कुल क्वेश्चंस की संख्या 90 थी। अब आती हैं अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं, नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षाओं को क्रियात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं भी कहा जा सकता है। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाओं में भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। इन टेस्ट में क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको क्रियात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं भी कहा जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षाएं निम्न प्रकार की हैं। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टियस मैजिक टेस्ट। यह टेस्ट 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इस टेस्ट में बालक को एक पेंसिल और कागज पर बना हुआ भूल भुलैया का चित्र दिया जाता था। चित्र में अनेक रास्ते होते थे। बालक को जल्दी से रास्ता ढूंढ लेना होता था। जो बच्चा जल्दी से रास्ता ढूंढ लेता था उसे बुद्धिमान कहा जाता था, और जो रास्ता नहीं ढूंढ पाता था उसे कम बुद्धि वाला कहा जाता था। मुख्य रूप से यह टेस्ट कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट वेस्लर वैल्यू टेस्ट। वेस्लर वैल्यू टेस्ट 1944 में दिया गया। यह टेस्ट 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए था। 1955 में इसे संशोधित किया गया और 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए बनाया गया। इस टेस्ट में विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण होते थे। नेक्स्ट भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी टेस्ट को 1955 में डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया। यह टेस्ट 11 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए था। इस टेस्ट में 5 उप परीक्षाएं होती थी। प्रत्येक उप परीक्षा के लिए समय निर्धारित होता था। यह परीक्षण सामान्य बुद्धि, स्मृति, विशिष्टता तथा ध्यान संबंधी योग्यताओं के मापन के लिए बनाया गया था। अब आती हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं एक समय में पूरे ग्रुप पर की जाती थी। सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं भी दो प्रकार की होती हैं, शाब्दिक समूह परीक्षाएं और अशाब्दिक समूह परीक्षाएं। शाब्दिक समूह परीक्षाएं यानी वर्बल ग्रुप टेस्ट निम्न प्रकार के होते हैं, सैनिक अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए किया गया था। इस टेस्ट में कुल 212 प्रश्न होते थे। नेक्स्ट इज सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट।
इस टैंक का निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया। इस टेस्ट में शब्दावली, गणितीय तर्क तथा ब्लॉकों की गिनती, वस्तु गणना आदि का उपयोग किया जाता था। अब आते हैं अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं, नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्हें हम क्रियात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं भी बोल सकते हैं। कुछ अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं इस प्रकार है, आर्मी बीटा परीक्षा। इस टेस्ट का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय अशिक्षित सैनिकों का चुनाव करने के लिए किया गया, यानी कि जो सैनिक पढ़े लिखे नहीं होते थे उन सैनिकों को सेना में भर्ती करने के लिए इस टेस्ट का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। यह टेस्ट 6 वर्ष की आयु से लेकर वयस्कों तक के लिए बनाया गया था। मुख्य रूप से यह टेस्ट 13 वर्ष के बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। इस टेस्ट में चित्र व्यवस्था, चित्रों की तुलना, अंक प्रतीक आदि के द्वारा बच्चों की बुद्धि का मापन किया जाता था। आपको आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।